तो फाइनली दोस्तों वीवो V21e 5G ये स्मार्टफोन गैज इंडिया में 24 जून को ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है और वीवो ने अपने पोस्टर के साथ ये कंफर्म कर दिया है। तो वीवो की V21 सीरीज में आने वाला यह दूसरा स्मार्टफोन है दोस्तों, और इसके अलावा अभी एक और स्मार्टफोन आने वाला है वीवो V21 Pro। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे इस वीडियो में वीवो V21e के स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पर कन्फर्म हो चुके हैं वीवो इंडिया की तरफ से। तो यहाँ पर आप वीडियो में गाइस एंड तक जरूर बने रहना, साथ ही अगर अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे भी ऐसे और वीडियोस आपके पास आ सके। तो चलिए यहाँ पर सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों डिज़ाइन की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है वीवो V21e का। यहाँ पर आपको 7.67 mm की थिकनेस देखने को मिलती है और 165 grams का वेट है। तो स्मार्टफोन दोस्तों काफ़ी पतला है और काफ़ी हैंडी स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है, और डिज़ाइन भी दोस्तों यहां पर काफ़ी अट्रैक्टिव आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा गाइस यहां पर डिस्प्ले की बात करें तो 6.44 इंच की एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलती है। यहां पर आपको कोई भी फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है, नॉर्मल 60Hz वाला ही पैनल यूज़ किया है वीवो ने। इसके अलावा गाइस यहाँ पर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 वाला 5G रेडी प्रोसेसर, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। तो यहाँ पर ये फ़ोन भी गाइस इस बार 5G होने वाला है। वीवो की जो V21 सीरीज़ है उसमें तीनों ही स्मार्टफोन गाइस इस बार आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा गाइस कैमराज की अगर बात करें तो पीछे की साइड में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप नहीं है। यहाँ पर आपको मिलता है सबसे पहले 64 MP का एक प्राइमरी कैमरा और 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड है, जिससे आप पोर्ट्रेट फोटोज़ भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरे कैमरे की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दो कैमरे दोस्तों पीछे की साइड में है और आगे की साइड में आपको 32 MP का एक सुपर नाइट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरा सेटअप भी दोस्तों काफ़ी ठीक ठाक है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर बैटरी की अगर बात करें तो 4000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको 44W का फास्ट चार्जिंग मिलता है, जबकि जो वीवो V21 आया था उसमें गाइस आपको 33W का ही मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको 44W का फास्ट चार्जिंग मिलता है और 4000 mAh की बैटरी है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है फन टच OS 11.1 Android 11 के साथ। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर में भी गाइस काफ़ी अपग्रेड इस बार आपको देखने को मिल सकता है वीवो की V21 सीरीज़ में। तो ये सारे स्पेक्स गाइस आपको वीवो V21e 5G में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि ऑफिशियली वीवो इंडिया ने भी कंफर्म कर दिया है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्पेसिफिकेशन कैसे लगे हैं और क्या आप इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड है या फिर नहीं। और जाते जाते गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना, क्योंकि आगे भी आपके पास ऐसी ही न्यूज़ इस चैनल से देखने को मिलती रहेगी।